लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी 70वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रही है। यह टूर्नामेंट 10 से 23 दिसंबर तक लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी रूपनगर पंजाब में होगा। एमएचओर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एमएचओर कबड्डी एसोसिएशन पंजाब के सहयोग से किया जाएगा। बता दें कि पहली महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 1955 में कोलकाता में आयोजित किया गया था। उसके बाद 69वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप महेंद्र गांव में आयोजित की गई थी, जहां मेजबान चैंपियन बना और हिमाचल प्रदेश उपविजेता रहा। और अब 70वीं चैंपियनशिप पंजाब में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि पंजाबी का लोकप्रिय खेल पहली बार पंजाब में और विशेष रूप से शहीदों की भूमि पर आयोजित किया जा रहा है। इससे सभी कबड्डी प्रेमियों और दुनिया भर के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। इस चैंपियनशिप के दौरान 8 पूल में कुल 110 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पूरे भारत के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सेवाओं से 30 से अधिक टीमें भाग लेगी। बता दें कि पंजाब सरकार के खेल और युवा सेवा मंत्री एस गुरमीत सिंह हेयर LTSU पंजाब के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। एस सिकंदर सिंह मलुका पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब और अध्यक्ष कबड्डी एसोसिएशन पंजाब ने कहा कि इस चैंपियनशिप के साथ कबड्डी खेल और खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। अज जो असी सारे इत्थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रिगार्डिंग एक नैशनल वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है पंजाब दे विच। एंड ए जो इवेंट है लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब होस्ट करन जा रही है 10 दिसंबर तो लेके 13 दिसंबर तक। और ए जो अपनी तरह का पहला इवेंट है जो चैंपियनशिप है जिसनों पंजाब होस्ट करन जा रहा पहली बार सीनियर वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप। और इसनों अपन नैशनल स्टाइल कबड्डी कहने हैं बिकॉज जेड़े पंजाब दे विच ऑलरेडी कबड्डी चल रही है जो कबड्डी मैचेस होंगे वो सर्कल कबड्डी होंगी है। ये नैशनल स्टाइल कबड्डी है जो कि ग्लोबल लैवल पर रिकोगनाइज्ड है फॉर मतलब देखा जाए। ये सानू दो बेनीफिट असी पंजाब च देख रहे हैं कि जो पंजाब के बच्चे को कबड्डी जी है वो ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੇਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਘਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ